दोस्तों कई म्यूजिशियन होते हैं जो कि अपने आप को बड़े डेंजरस सिचुएशन में डालकर और इस सिचुएशन से काफी स्टाइल से बाहर भी निकल जाते हैं और इसी को तो कला कहते हैं। तो मैजिक ट्रिक रिवील्ड के इस एपिसोड में हम कुछ ऐसे खतरनाक मैजिक ट्रिक के सीक्रेट को रिवील करने वाले हैं जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों मैजिक ट्रिक रिवील्ड का ये सातवां पार्ट है, इसीलिए इस टॉपिक पर बनी दूसरी वीडियोस को देखना बिल्कुल मत भूलना, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। नंबर एक, द बरिड अलाइव एस्केप एक्ट। दोस्तों म्यूजिशियन ने उसके इस एस्केप एक्ट से पूरी जनता को हैरान कर दिया था और उस म्यूजिशियन का नाम है डेमन एडिटिया जो कि इंडोनेशिया के रहने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं इस डेंजरस एक्ट के बारे में, जिसमें वो खुद को पूरी तरह से जंजीर से लॉक कर लेते हैं और इसके बाद वो एक वुडन बॉक्स में जमीन में बनाए गए 10 फीट होल में जाकर लेट जाते हैं और उसके बाद उसके साथी उस पर पूरी तरह से मिट्टी डाल देते हैं और काफी देर तक वो उससे बाहर नहीं निकलते, जिसे देखकर वहां पर कई लोग चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि इस एक्ट को यहीं पर बंद कर दिया जाना चाहिए। जिसके बाद वहां पर मौजूद एक आदमी उसकी कैप उतारता है और जब लोग उसे देखते हैं तो वो वही मैजिशियन होता है जो कि थोड़ी देर पहले जमीन के अंदर खुद को बंद कर लेता है और इस एक्ट को देखकर ऑडियंस के साथ जजेस भी पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं डेमिन ने इतने खतरनाक स्टंट को कैसे परफॉर्म किया। इस ट्रिक के बारे में वहां पर मौजूद जजेस को भी नहीं पता था, लेकिन हमारे चैनल को पता है। तो हम सबसे पहले पार्ट के बारे में बात करते हैं जिसमें डेमिन खुद को जंजीर के जरिए लॉक कर लेते हैं। दरअसल इस एक्ट में वो पूरी तरह से फ्री होते हैं। जी हाँ, वो जिस चेन का उपयोग करते हैं वो पूरी तरह से फेक होती है और उन पर लगाए जाने वाले लॉक भी पूरी तरह से नकली होते हैं और हैंडकफ्स भी बिना कीज के अनलॉक किए जा सकते हैं, जिसके बाद बड़ी आसानी से उन्होंने खुद को उस हैंडकफ्स से फ्री कर लिया। आपने गौर किया होगा कि उस म्यूजिशियन ने अपने लॉक को जजेस द्वारा चेक भी नहीं करवाया था, तो जाहिर है वो सारे लॉक्स नकली थे, लेकिन फिर भी वो इतने बड़े गड्ढे से बाहर कैसे निकला। दरअसल इसका पूरा गिमिक उस जमीन में बनाए गए होल में ही मौजूद है, जिसमें उस 10 फुट होल से लगकर एक टनल मौजूद था। जरा इस फोटो को देखिए, जिसे देखकर आप आसानी से समझ जाओगे कि वो दूसरे रास्ते से बाहर निकल सकता है उस सीक्रेट टनल के जरिए, जिसमें उस टनल के एक तरफ जजेस मौजूद थे और दूसरी तरफ कंक्रीट पाइप लगे हुए थे। और इस ट्रिक में बड़ी आसानी से वो सारे जजेस मैनिपुलेट हो गए, क्योंकि वो उस होल की तरफ देख रहे थे जिसके जरिए उस म्यूजिशियन ने एंटर किया था और उन्हें उस सीक्रेट पॉइंट के बारे में कोई आइडिया नहीं था। जिसके बाद डेमिन उस बॉक्स में गए और उनके असिस्टेंट्स ने उस बॉक्स को पूरी तरह से बंद कर दिया और उस बॉक्स के ऊपर मिट्टी डाल दी, जिसके बाद ये म्यूजिशियन खुद को उन फेक हैंडकप से फ्री कर लेता है। और इस बॉक्स के साइड में एक डोर होता है जहां से उस टनल का रास्ता होता है। उस डोर को बड़ी आसानी से खोलकर वो टनल के दूसरे साइड चला जाता है। अब बात करते हैं कि बाकी के लोगों को वो टनल क्यों नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वो होल 10 फीट गहरा था और उस टनल को बड़ी चालाकी से छिपाया गया था, जिस वजह से वहां पर मौजूद ऑडियंस और उन जजेस को वो टनल नहीं दिखाई दिया। और वो एग्जिट होल कहां पर था, तो इस फोटो को जरा गौर से देखिए, जहां पर ये कंक्रीट पाइप रखे हुए है उसके बिल्कुल पीछे उस टनल का एग्जिट पॉइंट था और वो म्यूजिशियन बड़ी चालाकी से वहां से निकलकर अपने फेस को कैप से ढककर बाहर आ गया और उन पाइप्स की वजह से उसे देखना पॉसिबल नहीं था। और उस एग्जिट पॉइंट पर कुछ कपड़े रखे हुए थे और वो उन्ही कपड़ों को पहनकर बाहर निकल आता है, लेकिन उस टनल से बाहर निकलते वक्त उसे किसी ने क्यों नहीं देखा। इस वीडियो में आप देख सकते हो उस म्यूजिशियन की बीवी बहुत जोर जोर से रो रही है। दरअसल ये भी एक प्लान का हिस्सा था ताकि लोगों का ध्यान उस कंक्रीट पाइप्स की तरफ ना जाए, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए डेमिन खुद को एक असिस्टेंट के साथ बदल लेता है और इसी तरह वो खुद का फेस रिवील करके लोगों को हैरान कर देता है। नंबर दो, द रेजर ब्लेड सोलो एक्ट। इस खतरनाक मैजिक ट्रिक को अमेरिकाज गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया गया था, जिसे एक जैपनीज म्यूजिशियन तांबा ने परफॉर्म किया था। सबसे पहले वो म्यूजिशियन एक रेजर ब्लेड उस जज को देता है और वो उसे उस ब्लेड से एक पेपर को काटने के लिए कहता है। अब इसके बाद वो म्यूजिशियन उन रेजर ब्लेड को खाने वाला होता है और उन ऑडियंस के सामने वो उस रेजर ब्लेड को अपनी जबान पर रखकर उसे खाना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो अपने मुंह से कई सारे रेजर ब्लेड को बाहर निकालता है और फिर वो पानी पीकर उन रेजर ब्लेड्स को निगल लेता है और फिर वो अपने मुंह से एक थ्रेड को बाहर की तरफ खींचता है और आप देखोगे कि उस थ्रेड से बहुत सारे रेजर ब्लेड अटैच होते हैं। तो क्या सच में उसने इन सारे रेजर ब्लेड को निगल लिया था?
इस सीक्रेट को रिवील करने से पहले मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब का बटन आपके अंगूठे से काफी करीब है। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। चलिए अब हम बात करते हैं इस मैजिक ट्रिक के सीक्रेट की। सबसे पहले आपको बता दे कि ये बहुत ही खतरनाक मैजिक ट्रिक है, इवन इसका सीक्रेट पता होने के बावजूद भी, इसलिए इस चीज को कभी ट्राई मत करना। अगर हम इस मैजिक ट्रिक की सबसे पहले पार्ट की बात करें, जिसमें वो म्यूजिशियन कुछ ब्लेड्स अपने मुंह में रखता है, तो वो रेजर ब्लेड्स एक्चुअल में असली होते हैं, लेकिन हाँ वो इतने शार्प नहीं होते। आपने इस मैजिक ट्रिक में देखा होगा कि वो उस रेजर ब्लेड को अपने मुंह में रखकर उसे निगल जाता है। दरअसल वो ऐसा नहीं करता, बल्कि वो उसे अपने दांतों के पीछे कहीं छिपा देता है, जिसे ऑडियंस नहीं देख सकती थी, जिसके बाद वो अपने मुंह में कुछ और रेजर ब्लेड्स को डाल लेता है। दरअसल वो सारे ही ब्लेड्स नकली होते हैं और उन्हें ग्लूकोज की मदद से बनाया जाता है, और वो ब्लेड्स दिखने में बिल्कुल असली दिखाई देते हैं। जिसके बाद आपने देखा होगा कि जब वो अपने मुंह से थ्रेड को बाहर निकालता है, तो उससे बहुत सारे रेजर ब्लेड्स अटैच होते हैं। दरअसल वो भी बल्क में वो अपने मुंह में ही कहीं छुपा के रखता है, और इस तरह के सेट को आप कहीं से भी खरीद सकते हो। फिर आपने नोटिस किया होगा कि वो एक पेपर को अपने मुंह में रखकर उसे चबाकर खा जाता है। दरअसल वो भी असली नहीं होता, बल्कि वो शुगर कोटेड पेपर होता है और कोई भी उसे आसानी से खा सकता है। चलिए अब उस पार्ट के बारे में बात करते हैं जिसमें वो थ्रेड से उन सारी रेजर ब्लेड्स को बाहर निकालता है। तो ये कैसे हुआ? आपने नोटिस किया होगा कि वो एक ग्लास में भरे लिक्विड को पीता है, और उसी लिक्विड में वो रेजर ब्लेड्स का एक सेट मौजूद होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। अब आप इस ग्लास के बॉटम को देखिए, जिसमें साफ दिखाई देता है कि इसमें रेजर ब्लेड्स मौजूद है। इत्तेफाक से वो ग्लास इसे छुपा नहीं पाया, जिसके बाद वो थ्रेड्स की मदद से उन प्रिपेयर्ड रेजर ब्लेड्स को आसानी से बाहर निकाल सकता था, और एक एक करके उसने उन सभी रेजर ब्लेड्स के सेट में से उन ब्लेड्स को बाहर निकाला, और यही था इस मैजिक ट्रिक का सीक्रेट। अब हम बात करने वाले हैं एक सबसे खतरनाक मैजिक ट्रिक के बारे में, इम्पेल्ड बाय स्वॉर्ड्स ट्रिक। इस मैजिक ट्रिक को थाईलैंड्स गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया गया था, जिसमें एक कार्डबोर्ड के बॉक्स को स्टेज के बिल्कुल सेंटर में रखा गया था। फिर वो म्यूजिशियन अपनी असिस्टेंट को बुलाता है और वो उस बॉक्स में चली जाती है, और फिर बारी आती है इस मैजिक ट्रिक के सबसे खतरनाक पार्ट की, जिसमें वो नोकीली लकड़ियों को उस बॉक्स के आर पार निकाल देता है, जिसके बाद वो जजेस में से भी एक इंसान को एक नेजा बिल्कुल उस बॉक्स के बीचों बीच डालने के लिए कहता है। और ये देखकर पूरी ऑडियंस हैरान हो जाती है, क्योंकि कुछ ही देर पहले उस बॉक्स में एक लड़की मौजूद थी, जिसके बाद वो म्यूजिशियन उन सभी नेजों को उस बॉक्स से बाहर निकालता है। और ये भी काफी हैरान करने वाला था कि वो लड़की बिल्कुल सही सलामत उस बॉक्स से वापस बाहर आ जाती है, किसी मैजिक की तरह। दोस्तों इस परफॉर्मेंस को इतना बारीकी से परफॉर्म किया गया है कि आप में से भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर ये कैसे हुआ। चलिए थोड़ा दिमाग लगाइए और मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए इस मैजिक ट्रिक के सीक्रेट को, और अगर नहीं पता तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। चलिए तो फिर अब बात करते हैं कि वो लड़की सही सलामत उस कार्डबोर्ड बॉक्स से बाहर कैसे निकली। तो हर मैजिक ट्रिक की तरह यहाँ पर भी एक सीक्रेट है। दरअसल वो कार्डबोर्ड को ऐसे डिजाइन किया होता है कि वो लड़की उसमें आसानी से कहीं छिप सकती है। अब जरा इस बॉक्स को गौर से देखिए, इसे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें एक नहीं बल्कि दो लड़कियों की जगह है। जैसे ही वो लड़की उस बॉक्स में जाती है, तो वो खुद को कर्व कर लेती है और खुद को पूरी तरह से फ्लैट कर लेती है बॉक्स के बॉटम में। लेकिन इसके बाद भी आपके मन में एक सवाल होगा, फिर ये जो इतने सारे नेजे उस बॉक्स से पास किए गए थे, तब वो कैसे सरवाइव कर पाई? दरअसल इस बॉक्स के बॉटम में कुछ हिडन प्रोटेक्शन मौजूद थी, और इन्हीं प्रोटेक्शंस की वजह से वो बिल्कुल सेफ थी। दरअसल उस बॉक्स के बॉटम में दो पेपर लिड्स मौजूद थे, जो कि उस लड़की को सेफ रखे हुए थे। और मैं जिन पेपर लिड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, वो कि नॉर्मल पेपर लिड्स नहीं थे, बल्कि वो एक स्ट्रॉन्ग रबर के बने हुए शीट्स थी, और दिखने में वो बिल्कुल कार्डबोर्ड मटेरियल की तरह दिखाई दे रही थी। और इस मैजिक ट्रिक में कमाल सिर्फ कार्डबोर्ड बॉक्स का ही नहीं था, बल्कि लड़की ने जो ड्रेस पहनी थी उसमें भी प्रोटेक्टिव शील्ड मौजूद थी, और वो इसी तरह उस गिमिक लिड्स की मदद से और अपने ड्रेस की मदद से बिल्कुल सेफ थी आखिर तक। तो जैसे ही वो म्यूजिशियन नेजे को उसके अंदर पास करता है, तो उन लीड्स की वजह से नेजे की डायरेक्शन ऊपर हो जाती है और यहाँ वो सेफ रहती है। और उसके बाद म्यूजिशियन जो ऊपर से नेजे डालता है, वो इस तरह डालता है कि वो उस लड़की को बिल्कुल छुए बिना उस कार्डबोर्ड के बॉक्स में जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी एक सवाल आता है कि जब उस जज ने उस नेजे को बिल्कुल कार्डबोर्ड के बॉक्स के बीच में से पास किया, तब वो लड़की सरवाइव कैसे कर पाई? तो जैसे ही वो जज उस बॉक्स में नेजा डालने वाला होता है, उसी वक्त वो लड़की अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है, जिस वजह से वो बिल्कुल सेफ रहती है। और जहाँ से वो जज उस बॉक्स में नेजे को इंसर्ट करने वाला होता है, तो वो जो बॉक्स के ऊपर का कार्डबोर्ड होता है, वो काफी मोटे मटेरियल से बनाया जाता है,
जिस वजह से उस नेजे की स्पीड स्लो हो जाती है और वक्त का फायदा उठाते हुए वो लड़की उसकी डायरेक्शन समझ जाती है और खुद को ऐसी पोजीशन में ढाल लेती है कि वो बिल्कुल सेफ रहे। जिसके बाद फिर मैजिशियन उन सभी नेजों को एक एक करके बाहर निकालता है और वो लड़की उन लीड्स को दोबारा से फ्लैट कर देती है और फिर वो उस बॉक्स से बाहर आ जाती है। दोस्तों भले ही इस मैजिक ट्रिक को बहुत ही समझदारी के साथ किया गया था लेकिन इसके बाद भी ये काफी खतरनाक था क्योंकि इस मैजिक ट्रिक में इस्तेमाल किए जाने वाले नेजे भी बिल्कुल रियल थे और एक छोटी सी गलती इस लड़की की जान ले सकती थी। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया